सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी मैं उठ चुका हूँ और पता नहीं अभी क्या टाइम हो रहा है। तो अभी मैं बना रहा हूँ चाय। तो अभी चाय बन रही है। अभी छोटू लाया है दूध और उसने उसका दूध बना लिया है। मैं मेरी भी चाय बना रहा हूँ और उसके बाद मैं नहाने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं उठा हूँ तो चाय बना के पीते हैं और फिर नहाते हैं। सो मैंने चाय बना ली है और अभी पीते हैं, फिर उसके बाद मैं नहाने वाला हूँ। तो बस पीते हैं और फिर नहाते हैं। तो अभी मैंने चाय वाय पी ली है और अभी हम कपड़े जमा रहे हैं। और ये पता नहीं किसी से बात कर रहा है। ये अंडर हटा यार तेरी। अबे तो है भाई प्रीमियम क्यों। हाँ ठीक है, फिर डलेगी है ना। डाल ठीक है। तो अभी हम कपड़े जमा रहे हैं क्योंकि हम घर से आए थे। 2 दिन हो गए ना हमने को, चार दिन हो गए और हमने कपड़े नहीं जमाए और साफ सफाई कुछ भी नहीं किए। तो आज हम कर रहे हैं फाइनली। आज हमको टाइम मिला बड़े दिनों बाद। और बस अभी ये जमाते, बहुत सारा सामान बिखला हुआ। ये अभी ये झाड़ू लगाएगा और मैं पोछा लगाऊंगा और तू बैठ के देखूंगा दोनों। हाँ बैठ के देखूंगा। ये क्या करेगा, किचन साफ करेगा बस। साफ सफाई पूरी हो गई है। हमने झाड़ू लगा दी है, मतलब इसने झाड़ू लगाई है और मैंने पोछा और इसने किचन साफ किया है। अभी मैं खा रहा हूँ खाना और अब इसके बाद हम जाएंगे हेयर कट करवाने। हम दो, मैंने अभी करवाया था पर और करवाने का मन हो रहा है। सो चलेंगे फिर खाना खा के। मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ, आके नहाएंगे अभी खाना खाते हैं फिर चलेंगे। लेट है। सो हम खाना वाना खा के निकल गए और अभी सबसे पहले हम हेयर कट या क्या लेंगे, हेयर कट करवाते हैं। अभी हम सबसे पहले हेयर कट करवाएंगे, फिर उसके बाद हमको छोटू का बर्थडे है 14 को, तो मैं 14 को घर जाऊंगा क्योंकि थोड़ा काम है इसलिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसके लिए गिफ्ट ले लें। तो मैं लेने वाला हूँ हेडफोन्स, उसको हेडफोन्स की ज़रूरत है। तो काम की चीज़ लेते हैं तो उसको काम में भी आएगी। सो सबसे पहले हेयर कट करवाएंगे, फिर वो लेने जाएंगे। थोड़ी सी दूर है पर ठीक है, कोई बात नहीं। और वो आया ही नहीं है हमारे साथ, वो अच्छी बात है। बोले तुम ही जाओ हेयर कट करवाने, मैं नहीं चल रहा। तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलते हैं चलो। तो अभी हमारा अचानक से प्लान बना कि पहले हेयर कट नहीं करवाते क्योंकि बाल वगैरह भी रहेंगे। तो पहले लेके आते हैं हेडफोन। तो चलो कहाँ जाना रहते हैं अपने को। हाँ सिल्वर मॉल। सिल्वर मॉल कितनी दूर है यहाँ से, 1-2 किलोमीटर? गीता भवन से 1 किलोमीटर आगे, 3-4 किलोमीटर। चलो मैं इसके आगे कितना छोटा लग रहा है, मेरे को कैमरा यूँ करना पड़ रहा है। चलो चलते हैं लेके आते हैं। अभी हम ऑटो से जाने वाले हैं क्योंकि थोड़ी सी दूर है, 2 किलोमीटर ना। देखते हैं ऑटो मिल जाएगा ऑटो से, या तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे पैदल पैदल ही, देखते हैं चलो। तो अभी हमने ऑटो कर लिया है और चलते हैं क्योंकि थोड़ी सी दूर है, 2 किलोमीटर है। हम सोचा ऑटो ही कर लें, फायदे में रहेंगे। हम आ गए सिल्वर मॉल और अभी देखते हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। इसको आइडिया है तो वहाँ से लेंगे। आसूस से उसने भी वहीं से लिया था लैपटॉप भी, यहाँ चलता ना। हाँ वहाँ पे थोड़ी मिलेगा दूसरी, फिर कहाँ मिलेगा पता नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, इसको आइडिया है। चलो चलते हैं लेते हैं और सरप्राइज देते हैं उसको। फाइनली हमने ले लिया है हेडफोन। कौन सा है? रेड गियर कॉस्मो। फाइनली अब अपन इसको गिफ्ट पैक करवा लेते हैं। करवा लेते हैं। अभी ओपन करवाएंगे लेकिन आज ही। हाँ आज ही, अभी ही, अभी हम हेयर कट करवाने वाले इसके बाद। सो चलते हैं। फाइनली हमको मिल गया, ऑनलाइन हमको मिल रहा था 2000 में, 1999 का ना। हाँ। उससे कंपेरिजन में सही मिल गया हमको ऑफलाइन। सो चलते हैं, अब ऑटो से चल रहे ना। हाँ ऑटो से चलेंगे, सामने ही खड़ा है। चलो अभी हम जा रहे हैं हेयर कट करवाने, यहाँ से पास में ही है। तो चलते हैं पैदल पैदल ही जा रहे हैं, ऑटो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पता नहीं यहाँ से हमको यू टर्न लेना पड़ेगा अपने आगे से। फिर आगे अभी हम आए थे नेक्स्ट ही आए और यहाँ पे हमको मैप में दिखाया है कि यहाँ पे सैलून है और यहाँ पे है ही नहीं।
हेयर कट से लो, हम अंदर जाके घूम भी आए फिर भी नहीं है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जहाँ मैंने पहले करवाया था हमारे फ्रेंड के सामने वही करवाएं, और अभी हमको जाना है स्पोर्ट्स सेंटर क्योंकि हमको थोड़ा बहुत चीज़ें लेनी है वहाँ से जिम के लिए। तो चलते हैं, चलो यहाँ से कितना बता रहा है वो 1 किलोमीटर है यहाँ से। हमको मैप ने इतना पागल बनाया है, इतना पागल बनाया है। हम स्पोर्ट वेयर देख रहे हैं, स्पोर्ट्स वेयर, और इधर बताया था यहाँ पे, तो इधर तो एंड है, कॉलोनी और ये देखिए यहीं, और ये देखो ये यहीं दिखा रहा है। बहुत घटिया चीज़ें आ रही है आज समझ आ रही है हमको, हमको दोनों चीज़ें नहीं मिली, हमको सैलून भी नहीं मिला और स्पोर्ट वेयर भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा चल लिया हम, अपन पैदल पैदल चल लिए होंगे 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर बहुत होता है यार, अब पैर भी दुख रहे हैं। क्या यार मैंने देखो पहले बोला था इधर कहाँ होगा, अपन घुसने से पहले ही कहीं नहीं, इधर कुछ भी नहीं, कॉलोनी है। अब चलते हैं अपन सीधा पास में, एक और लास्ट फाइनल 800 मीटर नहीं चलते हैं। फाइनली हमने ऑटो ले लिया, हमको कुछ भी चीज़ें नहीं मिली, ना स्पोर्ट्स वेयर और ना ही सैलून, यहाँ पे दिखाया था एक पर हमको दिखा नहीं, तो हमने सोचा कि वहीं पे हमारे फ्रेंड सामने करवा लेंगे, और अभी हमने स्टिंग भी पिए तो बॉटल का ही डालने की जगह नहीं थी तो हमने इसमें डाल दी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको गिफ्ट पैक करवा लें, पर पता नहीं हमको वो शॉप भी नहीं मिलेगी हम डालेंगे मैप में, तो मैप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों मैप पे सब बता रहा है, अब हम बैठे हैं ना तो अब लग रहा है पैर दुख रहा है, अब चलते फटाफट चलो। फाइनली हमको स्पोर्ट्स वेयर भी मिल गई थी ये रही, और सामान भी ले लिया है, अब हमारे एरिया में ही आके हमको मिली है, देख ले अब इतना दौड़ने के बाद में, तो बस इधर से हमको जाना है थोड़ी सी आगे और वहीं पे हेयर कट करवा लेंगे ना। हाँ। पर गिफ्ट शॉप देखने अपने को, हाँ रास्ते में आगे है ना, रास्ते में मिल जाएगी, देखते पता नहीं मिलेगी कि नहीं, नहीं तो फिर ऐसा ही कर देंगे यार, कहाँ ही देखेंगे कहाँ ही ढूंढेंगे। सब काम हो गए, सिर्फ हेयर कट करवाना है, और हमारे फ्लैट की जस्ट पास में ही शॉप थी दोनों, स्पोर्ट वेयर भी और गिफ्ट पैकिंग की भी, तो दोनों काम हो गए और अभी जाना है। पहले कहाँ जाएंगे, हेयर कट करवा लेते फिर जाएंगे फ्लैट। हाँ सामने ही, पहले हेयर कट करवाएंगे फिर जाएंगे फ्लैट, और फिर उसको सरप्राइज देंगे, देखते उसका रिएक्शन देखेंगे अपन, फिर उसको लेना ही था, चलते अभी हेयर कट करवाना। हमने हेयर कट भी करवा लिया हमारे फ्रेंड के जस्ट सामने, और अभी गिफ्ट देने की बारी आई है, सो देखते उसका रिएक्शन, और पता नहीं वो लेगा कि नहीं, वैसे लेना ही पड़ेगा, आप लिया है ना तो लेगा ही लेगा। सो मैं डीजे बोलने वाला हूँ, और एक कैमरा इसके इसको दे दा देवेन को ले। ये पागल है, क्लिप ही नहीं बनाई बाहर से, सुना क्लिप ही नहीं ऑन करी, मेरे को लगा तूने ऑन करके दी, मैंने देखा ही नहीं। ले उठ उठ चल यार, उठ उठ, अरे उठ। सर मुंह धुलाने के लिए पानी लाऊं? हाँ पानी लाए आपके लिए, आपके लिए पानी लाए। मैं नहीं लूंगा भाई, फालतू मत करो। क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा भाई तू? मैं नहीं, मैं नहीं ले रहा, सही मैं नहीं लूंगा, मैं पहले बोल रहा था, इसलिए मैं दो दिन से बोल रहा था, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो बोल रहा था फालतू। अब लेके आया, रिटर्न थोड़ी होगा, अब लेना पड़ेगा, तो लेना तो देखो ही पड़ेगा, तेरे अलावा कोई ले भी नहीं सकता। मैं तो दूंगा भाई, मैं तो नहीं लूंगा, मैंने मेरे घर पर गिफ्ट है भाई, बोल रहा हूं यार ये क्यों नहीं लेना, ये तो बता, वो नहीं चाहिए, क्यों क्यों नहीं, मैंने पहले बोला था, मैं तो बर्थडे गिफ्ट नहीं दे देगा, ऐसा सोचना चाहिए कि लाया है तो देखूं पहले क्या बोल रहा हूं, कहीं भी हो अरे आप ये किसको अरे वो चीज नहीं, ज्यादा महंगी नहीं है ये बात तो मैं बता रहा हूँ, इतने मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सही बताओ, अरे पैसे भी देखते मेरे पास होंगे, और क्या होगा, हेडफोन नहीं है, पता नहीं है, नहीं है हेडफोन, नहीं है, पहले तो खोल, अरे ओपन करके तो देख, खोल तो खोल, नहीं मैं थोड़ी खोलूंगा, मैं नहीं लूंगा, इसका गिफ्ट है भाई, मैं पैकिंग करा के लाया हूं, ले गिफ्ट रैप करवा के ला उसको, खोल तो देख, के पैकिंग करा के लाया है भाव, तो मैं नहीं लूंगा, 4 किलोमीटर दौड़ा है इसकी पैकिंग के लिए, दो हां दो तो दौड़े हैं, क्यों लेने गए थे वो लाए नहीं साले, क्या वो भी लाए हैं, वो सब लेकर आया, बता, नहीं नहीं लूंगा,
तो मैं क्या करूँ भाई इसका भाई। एक समझना चाहिए कि भाई दोस्त गिफ्ट लाया है इतने प्यार से, इतने मतलब इतना चलने के बाद इतना सोच क्या बोलो फटाफट उठ जा इतनी बड़ी हो रही है ये बोल रहा है कि इसमें शूज है। पहले गिस कर लिया यार इसने तो, पहले बोल दिया जो था 5 लाख के जूते लौट जा ले उठ मत कर दे यार। अरे 5 लाख हमारी औकात ही नहीं, 5 लाख रुपए जूते इसको गिफ्ट दे, इसकी शक्ल देखो ये तो ले नहीं रहा गिफ्ट और 5 लाख के कहां ले लेगा। मैं सबसे पूछा पहले कल परसों नहीं बोला था भाई कोई मत लेना अभी रहने देना, कई चीज मैं 4-5 चीज में सिलेक्ट करके लाया हूं। मैं क्या बोला भाई अभी कई चीज है मेरे को बाद में रखेंगे अपन, मेरे को देना था बस बात खत्म। क्यों देवन वो मैं नहीं ले रहा सही में, मेरा सही में दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं कर समझ नहीं है, मैंने पहले सोच लिया था इसमें शूज है कितने बताऊं मैं नहीं चाहिए 1300 रुपए 1300 रुपए के शूज है बस यार। इतनी नाटक दिखाए ना, इतने अच्छे से अपन लाए, इतनी मेहनत से लाए, वही तो 4 किलोमीटर चल गए पूरे खोल रहे थे जहाँ जाके मत देंगे लेना पड़ेगा। तो अभी गिफ्ट वगैरह दे दिया बड़ी मुश्किल से लिया, अभी सुधांशु को मैंने कॉल किया था और फिर पता नहीं सो गया वो, तो ऐसा नहीं कि खुशी खुशी से लाए। तू नहा रहा है अभी? हाँ ठीक है, इसके बाद मैं आने वाला हूँ, हेयर कट हो गया है और फिर देखते हैं, जिम भी जाना है 6:30 या 6 बजे पता नहीं फिक्स टाइम ही पता, सो देखते हैं। मैं तो नहाया नहीं हूँ, इसने इतना टाइम लगा दिया नहाने में कि हमारा जिम का टाइम होने में टाइम लगता है ना, जिम का टाइम हो गया। अब मैं बिना नहाए जा रहा हूँ, पता नहीं बाल तो नहीं लगे हाँ नहीं ये कहीं नहीं है, मेरे को हाथ में तो धोना ही पड़ेगा कल तो, हाँ सिर धो लेगा। चलो भाई बराबर रेडी हो तो फिर चलते जिम, हम रेडी हो गए जिम के लिए और अब चलते हैं जिम। वर्कआउट हो गया है और मज़ा आया बहुत करके, और सो अभी चलते हैं फ्लैट। तो चलो भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है, चलो फ्लैट आ गए और मैं लाया हूँ सैंपल और रास्ते में मैंने जूस भी पिया, सो अभी खाना भी खाना है कि जिम जा रहे थे, ये सब पीना खाना मिलता है। ओपन दी गेट,